शिवं शुद्धबुद्धं परं विश्वनाथं न देवो न बंधुर्नं न कर्म न कर्ता न अंगं न संगं न स्वेच्छा न कायं चिदानंद रूपं नमो वीतरागं चिदानंद रूपं नमो वीतरागं चिदानंद रूपं नमो वीतरागं। जिसका न अंग है न संग, न इच्छा है न काम, जो न देव है न बंधु, न कर्म है न कर्ता, उस सच्चित आनंद स्वरूप निराकार सत्ता विश्व के नाथ की वंदना ही किसी भी मूर्ति को नमन करते हुए जिन धर्म का अनुयायी करता है और करता है उसी अनुत्तर रूप की खोज। प्रार्थना करते हुए कि हे वीतराग स्वामी, हम भी तुम्हारे समान निज स्वरूप की पहचान कर सकें। इसलिए वह मूर्ति प्रथम तीर्थकर आदिनाथ की हो या अंतिम तीर्थकर महावीर की, उसके लिए सब समान है। यही कारण है कि बिहार के कुंडलपुर महावीर की जन्मस्थली से भिन्न मध्य प्रदेश के कुंडलपुर में आदिनाथ महावीर के रूप में पूजे जाते हैं। सच तो यह है कि इस कुंडलपुर की मुख्य मंदिर के मूल नायक हैं जटाधारी आदिनाथ, जन जन के हृदय में बड़े बाबा के रूप में प्रतिष्ठित, किंतु उनकी मान्यता महावीर की है। भक्त को इससे कुछ अंतर भी नहीं पड़ता। बात तो उस आस्था और विश्वास की है जिसके चलते वह निराकार निज स्वरूप को पाने की भावना रखता है, विराट और विशाल ब्रह्म स्वरूप हो जाने के लिए, ठीक बड़े बाबा के समान। बाबा की विशालता को न शब्दों में संजो लेना सरल है, न उनसे पार पाना सहज। यहां आने पर तो निश्चित रूप से यही कहा जा सकता है कि संस्कृति की रक्षा और पुरातत्व की सुरक्षा का वास्तविक कार्य तो सिर्फ श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर की समिति के द्वारा ही किया जा रहा है। एक कहावत मुझे याद आती है कि यू गिव मी ए स्मॉल प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मेक द होल वर्ल्ड दैट ऑफ माइन। चर्चाएं की हमने समिति के सदस्यों से और लोगों से, और लोगों ने हमें जो बताया उसका अर्थ ये निकला कि शायद एक या दो स्थान ऐसे थे जिस पर पुरातत्व विभाग का अधिकार था, लेकिन इसी कहावत के नक्शे कदम पर चलते हुए शायद सारे मंदिरों पर अपना आधिपत्य सिद्ध करने का प्रयास था ये। जो भी हो, मामला अब न्याय की शरण में है और न्याय जो कुछ भी करता है सच ही करता है। तो इंतजार है